Hey guys, I am Jatin Verma presenting to you the Daily Press Information Bureau summary and analysis for 14th of November 2017. तो guys, एक नजर डालते हैं टॉपिक्स जो आज हम डेली पीआईबी लेसन में स्टडी करने जा रहे हैं. मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस स्कीम, ये की मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की ये स्कीम है. और उसके बाद ट्राइफेड जो कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ये प्रीलिम्स के लिए और डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स में फैक्चुअल एस्पेक्ट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. और थर्ड टॉपिक को काफी इंटरेस्टिंग वे में एनालिसिस करेंगे, दिव्यांगजनों के लिए जो स्कीम 3 दिसंबर 2015 के लिए 15 को लॉन्च करी गई थी एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के नाम से, नेशनल सर्टिफिकेशन सिस्टम फॉर टिश्यू कल्चर. ये बायोटेक्नोलॉजी का एक एरिया है तो इसे भी स्टडी करने की कोशिश रहेगी पूरे अच्छे से एनालिसिस करके. इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो कि इंडिया जिसको लीड कर रहा है, फ्रांस के साथ हमने ये शुरू किया था लेकिन 121 कंट्रीज की अगुवाई इंडिया इसमें कर रहा है. और इसके साथ साथ मिसलेनियस टॉपिक्स जो कि पीआईबी पे काफी सारे दिए रहते हैं उनको एक समराइज करके एक एक दो दो पैराग्राफ्स में प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है. तो चलिए फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं. मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस स्कीम, ये जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है दोस्तों, तो ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे कि कुछ ट्राइबल्स हैं उनका मतलब वनों से फॉरेस्ट एरिया से जो प्यार है उसके चलते क्या है कि तेंदू लीव्स या जो सूखी लकड़ी है उसको वो लोग कलेक्ट करते हैं. तो सरकार ने एक अच्छा कदम उठाते हुए ये स्केड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में पास किया था. लेकिन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की जो डेफिनेशन है वो 2007 से पहले नहीं दी गई. 2007 में डेफिनेशन दी गई, 2006 में एक्ट बनाया गया, ये आपको याद रखना है. एक्ट ये डिफाइन करता है कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है ऑल नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी कि जो मतलब तेंदू लीव्स कलेक्ट करे जाते हैं या फिर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इनके देखेंगे अगले स्लाइड में कि क्या क्या चीजों को ये कहा जाता है. जैसे कि ब्रश वुड है, बैम्बू है, स्टम्प्स हैं, केन्स हैं, टसर है, कोकून है, इवन की हनी जिसे शहद कहा जाता है, वैक्सेस, लैग, तेंदू, केंदू लीव्स, तेंदू और केंदू लीव्स एक ही प्रकार के होते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स और जो पेड़ पौधों की जड़ें हैं, पेड़ को काटे बिना जो भी सोर्सेज फॉरेस्ट से गैदर करी जा सकती हैं उनको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की डेफिनेशन में 2007 में इंक्लूड किया गया. देन डेफिनेशन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इंक्लूड्स बैम्बू और केन, में केन को इसमें इंक्लूड किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है. लकड़ी को इंक्लूड नहीं किया जाता, नॉन टिम्बर है बैम्बू और केन को नॉन टिम्बर श्रेणी में रखा गया है, ठीक है. देयर बाय चेंजिंग द कैटेगराइजेशन ऑफ बैम्बू एंड केन एज ट्रीज अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, तो ये आजादी से पहले का एक्ट है उसमें डेफिनेशन को चेंज किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है. देन कमिंग टू द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इज अ मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, काफी ज्यादा ट्राइबल जनजाति के लिए हमारी कंट्री की ये एक सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है क्योंकि ट्राइब्स जो है वो कुछ और काम जैसे कि जो भी हमारे यहाँ पे MSME या कुछ भी हम देखते हैं, ट्राइब्स अपने आप को उन सब कामों में इन्वॉल्व नहीं करते, तो इसीलिए इसको रिकॉग्नाइज करना और इसके चलते उन्हें कुछ ऐसा एक लाइवलीहुड का सोर्स प्रदान करना, ये सरकार का अच्छा कदम है और ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के कार्य उसमें क्षेत्र में आता है, ये आपको ध्यान रखना है. रिकॉग्नाइजिंग द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस जो कि MFP माइनस माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो ट्राइबल्स के लिए क्रिटिकल इंपॉर्टेंस रखता है उसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज करने की बात करी है. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस करी है एक एम्बिशियस स्कीम जिसके तहत जैसे चावल के लिए, जैसे वीट के लिए या और डिफरेंट क्रॉप्स के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है, वैसे ही ट्राइबल्स के इन प्रोडक्ट्स के लिए जो भी तेंदू लीव्स है इनके लिए भी एक तरह से मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाएगा. इट इज अ होलिस्टिक स्कीम, तो काफी सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हमारे जो है इसका बेनिफिट उठा रहे हैं जो कि ट्राइबल जनजातियां हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की. होलिस्टिक स्कीम है ताकि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की ट्रेड को डेवलप किया जा सके. और 24 नॉन नेशनलाइज्ड या फिर नॉन मोनोपोलाइज्ड, यानी कि इस पे क्या था कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे मोनोपोली लेने की कोशिश करी गई थी कुछ कुछ कंपनीज द्वारा, लेकिन इन्हें नॉन मोनोपोलाइज करा दिया गया था सरकार द्वारा. और जैसे कि महुआ सीड है, साल लीफ है, साल सीड है, चिरौंजी है, वाइल्ड हनी है, टैमरिंड है, ये सब चीजें ये नॉन नेशनलाइज्ड हैं, यानी कि ट्राइबल्स इन्हें अपनी मर्जी से बेच सकते हैं बिना किसी रोक टोक के, ना ही प्राइवेट सेक्टर की ना ही सरकार की. नेशनलाइज का मतलब सरकार की रोक टोक रहेगी, मोनोपोलाइज मतलब प्राइवेट सेक्टर की, तो दोनों से इसे मुक्त करा दिया गया है. स्कीम जो है सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में एप्लीकेबल नहीं है या फिर छत्तीसगढ़ या झारखंड में एप्लीकेबल नहीं है, ऑल इंडियन स्टेट्स, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. एनी डी नेशनलाइज्ड MFP
आइटम रिमूव्ड फ्रॉम द परव्यू ऑफ मोनोपोली प्रोक्योरमेंट इन फ्यूचर विल ऑल्सो क्वालिफाई. अगर फ्यूचर में भी कोई भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे कि ये वाइल्ड हनी थी या टैमरिन था, यदि कोई ऐसी प्रोडक्ट को डीनेशनलाइज किया जाएगा फ्यूचर में, उसको भी स्कीम के अंडर मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम के अंडर कवर किया जाएगा ताकि उसका भी पूरा पूरा दाम हमारे ट्राइबल जनजातियों को मिल सके. देन ट्राइफेड पे आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया ईयरबुक टाइप क्वेश्चन हो जाएगा एक तरह से. ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड इज एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड इज एंगेजिंग इन मार्केटिंग डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग ट्राइबल आर्ट क्राफ्ट अंडर द ब्रांड नेम ट्राइब्स इंडिया. तो इनको क्या है, एक लोगो प्रदान कर दिया गया है ट्राइब्स इंडिया. तो जो लोग मतलब ट्राइबल जनजातियों से थोड़ी सहानुभूति रखते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को फ्यूचर में, जैसे अगर एक एग्जांपल देना चाहूँ तो खादी स्टोर जो हैं हमारे खादी विभाग के, वहां पे डिस्प्ले किया जा सकता है कि ये ट्राइब्स द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है. या दिल्ली में जो हार्ट्स लगती हैं, जैसे कि जो ट्राइबल या हमारे जो आर्टिफैक्ट्स हैं या जूट गुड्स हैं, उनको बेचने के लिए जो हार्ट्स लगती हैं, या फिर जो मेले लगाए जाते हैं वहां पे भी, जैसे दिल्ली का सदर मार्केट है तो वहां पे इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जा सकता है. एक तरह से गवर्नमेंट इसे ट्राइब्स इंडिया का मार्ग दे रही है. द मेन मैंडेट ऑफ ट्राइफेड ये क्या है कि कैपेबिलिटी को बढ़ाना है, यानी कि उनकी जो योग्यता है ट्राइबल्स की उसको बढ़ाना. प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स एंड क्रिएशन ऑफ मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्राइबल्स विद अ व्यू टू एंश्योरिंग देम फेयर प्राइजेस, ताकि उनको फेयर प्राइजेस ये इंश्योर किया जा सके कि आपको फेयर प्राइस पूरा पूरा दाम आपके प्रोडक्ट्स का मिलेगा. All the products supplied by Trifed carries a tribal craft mark, ताकि ये mark ये सुनिश्चित करेगा, ये assure करेगा कि yes, ये tribes द्वारा manufactured है. क्योंकि काफी सारे foreign tourists आते हैं जो कि इन products को like करते हैं, क्योंकि उनको tribes का culture पसंद होता है. तो as a token of you know sympathy towards tribals, ये mark देख के वो लोग ये goods को खरीदेंगे, जिससे सरकार को पूरा पूरा इनका दाम tribes को प्रदान करने में मदद मिलेगी. इन द फॉर्म ऑफ होलोग्राम लेबल या टैग उस पर लगा होगा, जेन्युइननेस और ऑथेंटिसिटी का प्रतीक होगा ये. मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अलोंग विद ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन लिमिटेड ऑर्गेनाइजेस आदि महोत्सव, जो जैसे मैंने बताया हार्ट्स लगाई जाती हैं दिल्ली में, हार्ट लगाई जाती है, या फिर प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर होता है, तो वहां पे ये सब गुड्स को प्रमोट करने में आसानी मिलेगी ट्राइबल क्राफ्ट और आदि महोत्सव इन सब चीजों के कदमों के चलते. और ट्राइबल कल्चर क्यूजीन यानी कि जो उनके खाने की हैबिट्स हैं और कॉमर्स में. अब आते हैं दोस्तों तीसरे टॉपिक पे. एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन इज द नेशन वाइड फ्लैगशिप कैंपेन ऑफ डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज. ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक इंसाफ के लिए एंड एम्पावरमेंट. इस एम का कैंपेन क्या है, बैरियर फ्री एंड कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर दिव्यांगजन, यानी कि जो ब्लाइंड हैं या जिनकी दृष्टि पूरी नहीं है उनकी तरफ, मतलब जो सरकार के विकास के प्रोग्राम है उसमें एक कॉम्पोनेंट डालना, जैसे कि अगर सीढ़ियां बनाई जा रही हैं तो साथ में रैंप भी बनाई जाए, तो एक वे से लिफ्ट भी रहे ताकि जो दिव्यांगजन है हमारे वो भी डेवलपमेंट में भागीदार बन सकें और अपना डेवलपमेंट का लुत्फ भी बेनिफिट भी ले सकें. इसे लॉन्च किया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, कब होता है ये, 3 दिसंबर को, ये आपको याद रखना है. For creating universal accessibility of persons with disabilities, campaign 3 भागों में divide किया गया, 3 verticals. एक तो built environment, दूसरा transport और तीसरा environment and communication and technology ecosystems. ICT में मैं बताऊं, आप लोग अगर थोड़े से keen observer हो, हमने देखा होगा कि हम ATMs में जाते हैं तो वहां पे एक microphone के लिए सुविधा दी जाती है, ताकि जो लोग देख नहीं पाते आगे आने वाले time में वहां पे microphones provide किया जा सके, ताकि वो लोग मतलब जो इसका फायदा उठा सकें. और दूसरी चीज है जो ATM मशीन साथ साथ बोलती भी है, प्रेस 1 और ये सब जो भी ऑप्शन चूज करने के लिए, कहीं कहीं SBI की मशीन्स बोलती हैं, उसे भी एनेबल किया जाएगा. अब आगे देखते हैं बिल्ट एनवायरनमेंट में क्या है. जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट में स्कूल्स बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दृष्टिहीन हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए, रैंप साथ में होनी चाहिए. टीचर्स को स्पेशली एक तरह से काउंसिल किया जाएगा कि उन बच्चों का भी ख्याल रखा जाए, उनको एक्सक्लूड नहीं किया जाए जहां तक टीचिंग का सवाल है. ब्रेली स्क्रिप्ट जैसी सुविधाएं और जो एप्स एप्लीकेशंस गूगल प्ले स्टोर पे जो सरकार एप्लीकेशंस अपलोड करेगी उसमें ब्रेली स्क्रिप्ट का, उसमें ये भी प्रावधान रहेगा, वो डिसेबल्ड फ्रेंडली रहेंगी, यानी कि जो लोग किसी भी तरह से डिसेबल्ड हैं उनके साथ वो मतलब फ्रेंडली रहेंगी, एप्स का जो इंटरेक्शन रहेगा वो फ्रेंडली रहेगा. और इस बार क्या किया जाएगा कि कंप्लीट करने एक्सेसिबिलिटी ऑडिट पूरा किया जाएगा 25 से 50
गवर्नमेंट बिल्डिंग जो है 50 बड़े शहरों में, ठीक है, और उनको पूरी तरह से एक्सेसिबल बनाया जाएगा ताकि ये जो लोग हैं इसका मतलब उन सिटीज में कहीं भी चलने में, कम्यूट करने में, लाइब्रेरी जाने में, स्कूल जाने में, अस्पताल जाने में इन्हें असुविधा ना हो, ठीक है। अभी तक जो लिखा होता था असुविधा के लिए खेद है, उसमें क्या लिखा जाएगा, असुविधा अब नहीं होगी, मतलब एक तरह से पूरी सुविधा प्रदान करने की कोशिश करी जाएगी। 50% ऑफ ऑल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, नेशनल कैपिटल टेरिटरी जैसे दिल्ली है एंड ऑल स्टेट कैपिटल्स, तो बड़े शहरों को, महानगरों को इंक्लूड करना है दिसंबर 2018 तक, तो ये अच्छा कदम है। आपको ये साथ साथ बताना चाहूंगा कि 2017 में 16 में सरकार ने डिसेबिलिटी एक्ट को अमेंड किया है ताकि इसमें और पॉजिटिव सुधार लाए जा सके, और यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन पर्संस विद डिसेबिलिटीज जो है उसके साथ इंडिया को कंप्लायंट बनाया जा सके। यानी कि इंडिया ने वो कन्वेंशन तो साइन कर दिया था, लेकिन इंडिया ने कन्वेंशन साइन करने के बाद कहीं ना कहीं मतलब उसको पूरा करने में थोड़ी सी जो भी कमी थी उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करी जा रही है ऐसे सरकार के प्रोग्राम्स द्वारा। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने खुद ये जिम्मेवारी ली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि इस इशू को प्रमोट किया जा सके। एक्सेसिबिलिटी ऑडिट का मतलब होता है जैसे कहीं पे लिफ्ट नहीं है तो वहां पे लिफ्ट रहेगी ताकि जिन लोगों को सीढ़ियां चढ़ने में, स्टेयर्स क्लाइंब अप करने में प्रॉब्लम आती है तो उनको भी साथ लिया जा सके। और मतलब ऑडियो विजुअल टेक्निक्स, ऑडियो टेक्निक्स साथ साथ रहेंगी लिफ्ट में कि फ्लोर 1 आ गया, फ्लोर 2 आ गया, फ्लोर 3 आ गया किसी बिल्डिंग का, वो भी साथ साथ अनाउंस होते रहेगा। देन इंटरलिंक विद, अब मैं इसको इंटरलिंक करना चाहूंगा स्मार्ट सिटी के साथ में। देखिए हम वैसे तो कहते हैं स्मार्ट सिटी में जहाँ सीसीटीवी कैमराज होंगे, जहाँ मतलब अच्छी फैसिलिटीज होंगी, जीपीएस कनेक्टेड होगा, सारा मैप होगा, लेकिन स्मार्ट सिटी रियल सेंस में क्या है, वो सिटी जो कि सब सब लोगों की केयर करती है, एक वैसे चाहे वो डिसेबल्ड हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो रिच क्लास हो, चाहे वो पुअर क्लास हो, ठीक है, चाहे कोई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आने वाला बच्चा है या कोई दृष्टिहीन बच्चा है, ब्लाइंड बच्चा है, तो उसको भी आरटीई में सुविधा दी जाए। स्मार्ट सिटी क्या है एक सेंस में, लो फ्लोर बसेज होनी चाहिए, जैसे दिल्ली में देखते हैं हम लो फ्लोर बसेज हैं ताकि जो लोग चढ़ नहीं पाते, सीनियर सिटीजन हैं या फिर किसी और कारण से, बसेस का फ्लोर ऐसा होना चाहिए कि वो लोग चढ़ सके। रियल सेंस में स्मार्ट सिटी का मतलब ये है। तो जब कभी स्मार्ट सिटी पे आंसर लिखोगे तो ये मतलब अच्छा साइट कर सकते हो, क्योंकि जो हमारे एग्जामिनर्स होते हैं वो भी थोड़ा सीनियर एज के होते हैं, तो वो विल दे विल अंडरस्टैंड आपकी, नहीं तो चलो मेरी इमोशन आपके एग्जाम से वो समझ जाएंगे, राइट। द ट्रांसपोर्ट एक्सेसिबिलिटी कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन एम्स टू मेक ऑल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स फुली एक्सेसिबल, सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को फुली एक्सेसिबल बनाया जाएगा इमीडिएटली, और फिर बाद में डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स को मार्च 2018 तक। तो यहाँ पे देखो सरकार की पूरी कोशिश है कि भारत की जो इंटरनेशनल इमेज है उसे सुधारा जा सके, इसीलिए पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को फुली एक्सेसिबल बनाया जाएगा इमीडिएटली, उसके बाद डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स जो हैं आपके उनको मार्च 2018 तक का ये डेडलाइन लेके चल रही है सरकार की इन्हें डेवलप किया जाएगा। देन कमिंग टू ऑल A1 A and B कैटेगरी ऑफ रेलवे स्टेशन आर टू बी मेड फुली एक्सेसिबल, तो अगर आपने दिल्ली या और किसी बड़े महानगर में विजिट किया हो तो आपने देखा होगा कि स्टेयर्स के साथ साथ वहां पे रैंप भी दिया जाता है, यानी कि रैंप के और एस्केलेटर्स भी दिए जाते हैं लिफ्ट के साथ साथ, ताकि जो लोग देख नहीं पाते, जो लोग दृष्टिहीन है, उनको एक वैसे सुविधा मुहैया कराई जा सके जहां तक अनहिंडर्ड एक्सेस टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक सर्विसेज है, टू मेक 10%। और दूसरा लक्ष्य क्या है, 10% गवर्नमेंट ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैरियर्स हैं, जैसे कि दिल्ली में आप देखोगे कि लो फ्लोर बसेज हैं, यानी कि जो काफी जमीन के साथ, इनका एक वैसे सीढ़ी जो बस को चढ़ने के लिए जो है वो जमीन के पास छू रही होती है, ताकि जो लोग सीनियर सिटीजन हैं वो लोग एक वे से इसे एक्सेस कर पाए, राइट। लो फ्लोर बसेस का पॉइंट आप दिल्ली का एग्जांपल दे सकते हो। एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो आपका मैंने एटीएम का एग्जांपल दिया कि यदि आप किसी एटीएम बूथ में जाते हो तो वहां पे माइक्रोफोन का एक ऑप्शन दे रखा होता है, ठीक है, और कुछ कुछ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वगैरह की जो एटीएम मशीन है उसमें मतलब एटीएम मशीन साथ साथ बोलती रहती है कि प्रेस 1 और ये सब जो ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। और इसके साथ साथ जो एप्लीकेशन है सॉफ्ट टेक्नोलॉजी है उसे वाकई ही सॉफ्ट बनाने के लिए टुवर्ड्स डिसेबल्ड पीपल, उसके लिए क्या किया जा रहा है कि ब्रेली स्क्रिप्ट और ये सब के प्रावधान उसमें इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे। द टारगेट सेट अंडर दिस वर्टिकल, अब ये जो तीसरा बिंदु है यानी कि एक्सेसिबिलिटी, उसमें क्या है कि 50% सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो राज्य सरकारों की व केंद्र सरकार की जो वेबसाइट्स हैं उन्हें एक्सेसिबल बनाना था मार्च 2017 तक। कोई भी मिनिस्ट्री की वेबसाइट है तो उसमें साथ साथ विजुअल के साथ साथ ऑडियो फैसिलिटी भी मुहैया कराने का एक प्रावधान रखा जाना था। नेशनल सर्टिफिकेट, अब ये इनका जो क्रिटिकल एनालिसिस है ये आप
डेली हिंदू न्यूज एनालिसिस जो कि मेरे द्वारा किया जाता है, आप मेरे फेसबुक पेज जतिन वर्मा 0509 पे विजिट करके उसका भी एक्सेस पा सकते हैं। नेशनल सर्टिफिकेशन सिस्टम फॉर टिश्यू कल्चर रेस्ड प्लांट्स, अब ये बायोटेक्नोलॉजी का एरिया है। तो गाइस जो भी टॉपिक्स रहते हैं, इकोनॉमी का हो, सोशल वेलफेयर का हो, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का हो, पूरी कोशिश रहेगी कि उनको एक नीट एंड क्लीन वे में विद एक्सप्लेनेशन विद एनालिसिस यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल सर्टिफिकेशन सिस्टम फॉर टिश्यू कल्चर रेस्ड प्लांट्स ये चालू किया था। किस डिपार्टमेंट ने किया था? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आपको बायो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ये कंफ्यूज नहीं होना कि डिपार्टमेंट ऑफ या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर आता है। बायो भूल जाइएगा, टेक्नोलॉजी याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये क्या है? सर्टिफिकेशन एजेंसी बनाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को। किस एक्ट के तहत? सीड्स एक्ट के तहत। सीड्स एक्ट 1966 का एक्ट है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन क्वालिटी टिश्यू कल्चर प्लांट मटीरियल की ये डिपार्टमेंट करा सके हर एरिया में। ठीक है, अब ये होता क्या है, साइंस एंगल देखते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इंडिया एक पहला ऐसा कंट्री है जिसने ये सर्टिफिकेशन सिस्टम डेवलप किया है टिश्यू कल्चर प्लांट्स के लिए। कन्वेंशनल प्रोपेगेशन जिसमें कि एक पौधे की एक टहनी को तोड़ दिया जाता था, गुलाब का फूल उगाना होता था बचपन में स्कूल में, क्या कराया जाता था कि स्टेम उसकी तोड़ ली जाती थी और उसे गमले में बो दिया जाता था, अगर वो ग्रो करेगा तो भगवान भरोसे, नहीं करेगा तो भी भगवान भरोसे। ठीक है, उसमें क्या होता था कि ये कन्वेंशनल मेथड है। कई बार सीड्स जो है हम बीज बो देते थे तो वो बीज नहीं मतलब जो होता है पॉलिनेशन नहीं हो पाती थी या फिर अंकुरित नहीं हो पाता था। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखा जाएगा कि जो साइंटिफिक मेथड है प्लांट टिश्यू कल्चर का, उसके चलते क्या होगा कि इम्पॉर्टेंट बायोटेक्नोलॉजी और कमर्शियली वायबल बनाने की एक पूरी पुरजोर कोशिश है, चाहे वो छोटा सस्ता बीज हो चाहे वो महंगा बीज हो। इसका फायदा क्या है कि ये बीमारी रहित, जैसे हम किसी पौधे को एक टहनी को तोड़ते हैं यहाँ से किसी पौधे की, तो क्या होता है साथ ही साथ बैक्टीरियल फंगल अटैक ये सब शुरू हो जाते हैं। उसके चलते क्या होता है कि जब उस पौधे को नए गमले में भी यदि बोया जाता है तो भी वो फ्लॉप हो जाता है। ठीक है, तो वो मुरझा जाता है। इसी को रोकने के लिए डिजीज फ्री चीज को मतलब डिजीज फ्री इसको बनाने के लिए प्लांट टिश्यू कल्चर एक तरह से ये साइंटिफिक मेथड अपनाया जाएगा। डिजीज फ्री एंड हाई यील्डिंग प्लांट्स रैपिडली इन लेबोरेटरी, मतलब उसमें टेम्परेचर और कितनी सनलाइट देनी है, कितना फोटोसिंथेसिस करवाना है प्लांट को, किस स्टेज पे कितना लाइट चाहिए, बिना किसी सीजन की मतलब ये रिस्ट्रिक्शन के। ऐसा नहीं है कि ये पौधा सर्दी में ही उगेगा, ये गर्मी में ही उगेगा, इसको बारिश में उगाना है, इसको सूखे में उगाना है, तो ऐसा नहीं होगा। लेबोरेटरी मॉनिटर्ड कंडीशन होंगी, उसके साथ क्या होगा कि किसी भी सीजन में इस पौधे को उगा लिया जाएगा। ग्रोथ ऑफ सेल्स टिश्यूज एंड ऑर्गन्स आउटसाइड द ऑर्गेनिजम्स इन आर्टिफिशियल मीडिया ऑफ सॉल्ट्स, कि कितने न्यूट्रिएंट्स देने हैं, कौन से सॉल्ट उसे देने हैं, इसको बोला जाता है टिश्यू कल्चर। तो ये प्रिलिम्स बायोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। इस टेक्निक में क्या बोला जाता है, एक्सप्लांट। एक्सप्लांट क्या होता है, यानी कि प्लांट के बाहर यदि किसी प्लांट के सेल को निकाल लिया जाता है या उसके टिश्यू को निकाल लिया जाता है या किसी ऑर्गन को निकाल लिया जाता है केयरफुली उसे सेपरेट करके, ठीक है, और उसे असेप्टिकली यानी कि सेप्टिक अटैक, जैसा मैंने बताया कि पौधे की टहनी जैसे ही तोड़ी जाती है तो बैक्टीरियल अटैक उस पर होने लग जाते हैं, असेप्टिकली उसे न्यूट्रिएंट मीडियम में डाला जाएगा, ऐसे पानी में डाला जाएगा जिसमें कि मिनरल्स वगैरह ऑलरेडी डिजॉल्व होंगे, घुले हुए होंगे, तो वो प्लांट को उगने में फायदा मिलेगा। और इसमें टेम्परेचर कितना चाहिए और मतलब लाइट कितनी चाहिए, फोटोसिंथेसिस की कैपेसिटी क्या है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, लेबोरेटरी मॉनिटर्ड होगा ये सब। स्टेराइल ग्रोथ मीडियम और न्यूट्रिएंट मीडियम फॉर कल्चरिंग एक्सप्लांट्स, एक्सप्लांट्स शुड टिपिकली कंटेन शुगर, यानी कि उसमें चीनी होगी और शुगर एनर्जी का काम करेगी और कार्बन सोर्स का एंड कार्बन एज दी सोर्स, मिनरल सॉल्ट्स रहेंगे, ग्रोथ सब्सटेंसेस रहेंगे। टिश्यू कल्चर हैज गिवन राइज टू फिनोमिना ऑफ टोटिपोटेंसी, ये आपको याद रखना है, टोटिपोटेंसी ऑफ प्लांट सेल्स, जिसका मतलब ये है कि हर लिविंग प्लांट सेल जो है उसके पास ये काबिलियत है कि रीजेनरेट करने की अपने आप को। स्टेम सेल थेरेपी जैसे ह्यूमन बींग्स में लगाई जाती है लीवर पे खासकर, एक वैसे ही रीजेनरेटिव मतलब प्लांट को रीजेनरेट करने के लिए उसे आइसोलेट करके ग्रो किया जा सकता है, ये टोटिपोटेंसी इंश्योर करती है। ठीक है, तो मतलब याद रखने में भी आसानी होगी, अच्छा वर्ड है टोटिपोटेंसी। देन व्हेन आइसोलेटेड एंड कल्चर्ड इन अ सुटेबल मीडियम और ऑल लिविंग प्लांट्स इन अ प्लांट बॉडी कैन पोटेंशियली गिव राइज टू होल प्लांट्स, चाहे वो प्लांट का सेल हो, चाहे टिश्यू हो, चाहे वो स्टेम हो, उस सारे काबिलियत रखते हैं प्लांट में जनरेट होने की, मतलब एक छोटा सा पौधा फिर पौधे से ट्री बनने की काबिलियत सब में होती है, तो ये लाइफ पे भी अप्लाई कर सकते हो। द टेक्निक ऑफ मेरिस्टेम कल्चर
और शूट एपेक्स और रूट एपेक्स, यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि पौधे की टहनी से ही उगेगा, जड़ से भी उग सकता है, जड़ से ही उगेगा ऐसा भी नहीं है, टहनी से भी उग सकता है, इवन छोटे से सेल से भी या बीज से भी उग सकता है, वायरस फ्री मटेरियल है। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, वायरस फ्री मीडियम में, मतलब वायरस फ्री तरीके से इसे निकालना है। ठीक है, और इसमें मेरिस्टेम चीज जो है ये भी इंश्योर करती है वायरस इन्फेक्टेड प्लांट्स, यानी कि जो ऐसे प्लांट है ऑलरेडी जो थोड़े बीमार हैं और किसी भी कोई भी फंगल अटैक, कोई भी पेस्ट अटैक उन पे है, उनसे भी वायरस फ्री मटेरियल निकाला जा सकता है और प्लांट में उगाया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी काबिलियत है इस, मतलब ये जो हमारा टोटिपोटेंसी टेक्निक है कि यदि कोई प्लांट का पेस्ट, प्लांट पे पेस्ट अटैक हो गया, वो पूरा का पूरा जंगल एक तरह से खत्म होने पे आ गया, तो उसे भी बचाया जा सकता है, एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने में भी ये कारगर साबित हो सकती है, ये मेरा इंटरप्रिटेशन मान सकते हो। अब आते हैं पांचवें टॉपिक पे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस वॉज ज्वाइंटली लॉन्च। सबसे पहले फ्रांस में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत सभी कंट्रीज जो है फ्रांस में नवंबर 2015 में मिली थी क्योटो प्रोटोकॉल के बाद, जो आगे क्या प्रणाली रहेगी क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, उसके लिए तो इंडिया ने वहां पे एक पहल करी नई तरीके से कि एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस लॉन्च करा जाए सारी ट्रॉपिकल कंट्रीज का, जहां पे कि सूर्य की किरणें काफी ज्यादा आती हैं। तो उससे क्या होगा कि सारी कंट्रीज, मतलब जो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं जो कि ज्यादा प्रदूषण क्रिएट करते हैं, उनसे साइड में होते हुए सोलर पावर का फायदा उठा सकेंगे। अब दिक्कत क्या आती थी, सोलर फोटोवोल्टेक सेल टेक्नोलॉजी बहुत महंगी आती है और यूएस को इसमें महारत हासिल है, और ये जो कंट्रीज हैं ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं वेस्ट, मतलब एशिया की और अफ्रीका की और साउथ अमेरिका की, इनके पास में रिसोर्सेज है नहीं। तो 121 ऐसी प्रोस्पेक्टिव सोलर रिच मेंबर कंट्रीज, यानी कि जहां पे सूरज की ज्यादा किरणें रहती हैं, ट्रॉपिक्स ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, उन कंट्रीज ने ये समझौता किया मोटे मोटे तौर पे कि ये कंट्रीज एक साथ आएंगी। अब इनके तीन उद्देश्य थे क्या, कि सोलर एनर्जी को, सोलर एनर्जी यूनिट की कीमत को नीचे लाया जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिमांड बढ़ानी पड़ेगी, डिमांड बढ़ाने के लिए पहले जो सब्सिडी देनी पड़ेगी या जो भी रिसर्च करनी पड़ेगी उसके लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए, ये सारी कंट्रीज इकट्ठे होके रिसर्च इसमें ट्रिगर, मतलब एक वैसे रिसर्च को आगे बढ़ाएंगी और डेवलप करेंगी। और यदि सोलर फोटोवोल्टेक सेल्स को या पैनल्स को, सोलर पैनल्स को बहुत ज्यादा तादाद में बनाया जाएगा तो उसका दाम नेचुरली है कम आएगा, तो उससे क्या होगा कि मतलब इसे वायबल बनाने में फायदा मिलेगा। अब डेवलपमेंट बड़ी क्या हुई है कि 15 कंट्रीज, ये मैंने बताया कि ये 121 कंट्रीज ने तो मोटे मोटे तौर पे अपनी मंशा जाहिर करी थी, मतलब अपनी इंटेंशन व्यक्त करी थी कि यस वी आर रेडी, लेकिन 15 कंट्रीज ने अब हस्ताक्षर करके यूनाइटेड नेशंस को ये डॉक्यूमेंट सौंप दिया है 6 नवंबर को। अब यूनाइटेड नेशंस की प्रक्रिया ये कहती है, प्रोसीजर ये कहता है कि आफ्टर 30 डेज क्या होगा, डॉक्यूमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन साइन करने के 35 दिन के अंदर अंदर इन्हें मतलब दर्जा मिल जाएगा इंटरनेशनल लीगल एंटिटी का, जहां तक संयुक्त राष्ट्र की ऑर्गेनाइजेशंस का सवाल है, ये इंटरनेशनल लीगल एंटिटी बन जाएगी, कानून की नजरों में एक अलग से एक संस्था बन जाएगी। तो ये सबसे बड़ी अच्छी चीज है कि 15 जो कंट्रीज हैं, एक तो आपको उनके नाम याद रखने हैं, इसका हेडक्वार्टर जो है इंडिया में होने जा रहा है, ये पहली ऐसी इंटरनेशनल और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि संयुक्त राष्ट्र के साथ में, जिसका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और उसका हेडक्वार्टर इंडिया में होने जा रहा है, ऐसा पहली बार हुआ है, राइट। तो बाकी की कंट्रीज आपको ध्यान रखनी है, यूरोपियन यूनियन में से फ्रांस है सिर्फ एक कंट्री शायद, बाकी की कंट्रीज मोर ऑर लेस ऑस्ट्रेलिया, सॉरी एशिया अफ्रीका की कंट्रीज हैं, ये आपको ध्यान रखनी है नाम इनके, पपुआ न्यू गिनी, घना, टुवालू, फिजी, फिजी भी आप कह सकते हो कि मतलब कॉन्टिनेंटल, मतलब कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, यूरोप में आप देख सकते हो इसे। देन कंट्रीज दैट डू नॉट फॉल विद इन ट्रॉपिक्स, वो भी ज्वाइन कर सकती हैं, जो कंट्रीज ट्रॉपिकल एरियाज में नहीं आती लेकिन उनको वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाएंगे, ठीक है, बाकी सारे बेनिफिट्स वो ले सकती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रॉपिकल कंट्रीज इसमें आएंगी, और हेडक्वार्टर इसका गुड़गांव में होने जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। सिक्स्थ पे मिसलेनियस टॉपिक्स में हम स्टडी करेंगे हुनर हाट्स क्या होती हैं। हुनर हाट्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स द्वारा नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स द्वारा उस्ताद स्कीम के तहत ऑर्गेनाइज करी जा रही है। उस्ताद स्कीम क्या है, अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट स्कीम, यानी कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो भी हमारे लोग हैं उनके, उनमें जो भी हुनर है, जैसे कि ट्राइबल एरियाज अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो जूट प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट जो बनाए जाते हैं, या हम कश्मीर की बात करें तो जो वहाँ की जो शॉल्स हैं, पश्मीना शॉल और ये सब शॉल्स को इसमें प्रमोट किया जाएगा। दिल्ली हाट जैसे होता है वैसे हुनर हाट्स लगाई जाएंगी इनके गुड्स को प्रमोट करने के लिए, माइनॉरिटी कम्युनिटी के गुड्स को। ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ
माइनॉरिटी अफेयर्स का, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे दिल्ली हाट होता है या प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर लगता है, तो ट्रेड फेयर में इनकी गुड्स को एग्जिबिट मतलब दर्शाया जाएगा, और इसके लिए मतलब एक वे से मार्केट डेवलप करने की बात है ताकि उनका कल्चर और हेरिटेज जो है उसे प्रमोट किया जा सके, उसे प्रिजर्व किया जा सके, जो कि ग्लोबलाइजेशन की इस होड़ में कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है, राइट, इस दौड़ में कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है। हुनर हाट एग्जीबिशन इज यूनिक फ्रॉम अर्लियर एग्जीबिशन, क्योंकि इसमें जो तिहार जेल के जो इनमेट्स हैं, जो कैदी हैं, उनके भी प्रोडक्ट्स को शोकेस किया जाएगा। उससे क्या होगा कि उन कैदियों को सेल्फ डिपेंडेंसी मिलेगी और एक आत्मविश्वास की भावना, जो वो लोग कैदी होने के नाते जो समाज एक हीन भावना से उन्हें देखता है, और वो जो आत्मविश्वास खो चुके हैं उसे रीगेन करने में अप्रिसिएशन के माध्यम से उन्हें मदद मिलेगी। तो ये एक अच्छा कदम है। या आप मतलब पुलिस रिफॉर्म्स या इनमेट्स के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं सरकार के, वहां भी इसे मतलब यूज कर सकते हैं दिमाग की खिड़की खोल के। देन इंडिया स्टेट लेवल डिजीज बर्डन इनिशिएटिव, ज्वाइंट इनिशिएटिव होगा ये तीन एजेंसीज के बीच में, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो गाइज ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब यूनियन होम मिनिस्ट्री इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, और इसका मेन क्या है, फर्स्ट कॉम्प्रीहेंसिव सेट ऑफ स्टेट लेवल डिजीज बर्डन को मुलाका गया है। तो जिन डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे मान लो कि उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हैं जहाँ पे जैपनीज इंसेफेलाइटिस का काफी ज्यादा प्रकोप है, ठीक है, तो वहां पे जैपनीज इंसेफेलाइटिस स्पेसिफिक प्रोग्राम पे ज्यादा वो दिया जाएगा, तवज्जो दिया जाएगा, रादर देन की जो अर्बन एरिया की मतलब डायबिटीज की प्रॉब्लम है वो अर्बन एरियाज में ज्यादा है। तो डायबिटीज पे वहां पे ईस्ट यूपी में या वेस्ट यूपी में ज्यादा फोकस ना देके डायबिटीज पे फोकस कहां दिया जाएगा, अर्बन एरियाज में। तो ये कैटेगरी फोकस्ड अप्रोच लेने के लिए ये जो स्टेट लेवल डिजीज बर्डन मूल्यांकन किया गया है वो काफी कारगर साबित होगा। हेल्थ इनइक्विटीज, जैसे कि बिहार के सिटीजन को क्या ज्यादा प्रॉब्लम है, बिहार के सिटीजन पंजाब के सिटीजन से कैसे आगे या पीछे हैं, हरियाणा से कैसे आगे या पीछे हैं, उनको तमिलनाडु, सारी तरह हेल्थ इनइक्वालिटी को ब्रिज करने में फायदा मिलेगा मतलब इस मूल्यांकन से, क्योंकि आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, इंडिया इज अ यूनियन। लेकिन अगर हम देखें कि मतलब हेल्थ पैरामीटर्स पे या और सामाजिक पैरामीटर्स पे इंडिया इज नॉट अ यूनियन, मतलब एक वे से यूनाइसन में इक्वालिटी के वे पे सारी कंट्री इंटरकनेक्टेड नहीं है। जैसे जीएसटी के चलते पूरी कंट्री को कनेक्ट कर दिया, एक ही जैसा टैक्स स्ट्रक्चर होगा। तो इस माध्यम के जरिए, इस हेल्थ सर्वे के डिजीज बर्डन इनिशिएटिव के चलते क्या होगा, एक समान हेल्थ सर्विसेज सारी कंट्रीज में बराबर, चाहे कोई यूपी में रह रहा हो, बिहार में रह रहा हो, पंजाब में रह रहा हो, असम में रह रहा हो, जम्मू एंड कश्मीर में रह रहा हो, या फिर कन्याकुमारी में रह रहा हो, सबको एक समान हक है बीमारियों से निजात पाने का। तो ये एक वैसे इसमें हेल्प मिलेगी। देन प्रोजेक्ट सक्षम कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू ऑल एम्प्लॉयज ऑफ इंडियन रेलवेज। अभी क्या किया जा रहा है, वर्चुअल रिटायरमेंट स्कीम, यानी कि जो एम्प्लॉयज थोड़े पुराने हो गए हैं, जो स्किल्स को नहीं अपना पा रहे, उनको रिटायर करने के लिए गोल्डन हैंडशेक, यानी कि एम्प्लॉय के लिए भी अच्छा है और रेलवे के लिए भी अच्छा है, रेलवे नई पीढ़ी के इंजीनियर्स को हायर कर लेगा। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं अपनी सामाजिक जिम्मेवारी को संज्ञान में लेते हुए, एक्नॉलेज करते हुए क्या कर रही है, इसमें स्किल्स को अपग्रेड करने की बात करी जा रही है इनके, ठीक है, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ेगी, जिससे कि मतलब एकदम से रिटायरमेंट भी नहीं देना होगा और सरकार के लिए भी अच्छा है। तो ये प्रोजेक्ट सक्षम रेलवे से डील करता है। जॉइंट ट्रेनिंग डॉक्ट्रिन, अभी क्या है दोस्तों, जॉइंट ट्रेनिंग डॉक्ट्रिन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस 2017 ये रिलीज किया गया है, ताकि सिनर्जी और इंटीग्रेशन, यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने अभी रिसेंटली कहा था कि हमें नेवल शिप्स चाहिए, यानी कि समुद्री जहाज चाहिए, मतलब वायुसेना को समुद्री जहाज चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल जायज है। और इधर अगर हम नेवल फोर्सेस की बात करें, तो उन्होंने कहा कि हमें समुद्री जहाज के आगे चलने वाला हेलीकॉप्टर चाहिए, ताकि वो लाइट डाल सके कि रात में क्या पेट्रोलिंग करने में ज्यादा मदद मिलेगी। तल सेना का कहना है उन्हें भी हेलीकॉप्टर चाहिए और उन्हें भी समुद्री जहाज चाहिए। हमारी कंट्री प्रगति की एक ऐसी स्टेज पे है, एक ऐसी डेवलपमेंट स्टेज पे है, जहाँ पे कि मतलब अभी इतना मुमकिन नहीं है कि हम नेवी को भी अलग हेलीकॉप्टर दे दें, एयरफोर्स को भी दे दें, एयरफोर्स को नेवल शिप्स दे दें, पनडुब्बियां दे दें, और तल सेना को भी हम हेलीकॉप्टर दे दें। तो इसके चलते क्या है कि तालमेल ज्यादा बढ़ाने के लिए, अगर कोई वार की स्थिति पाकिस्तान या किसी और कंट्री के साथ में होती है, तो तालमेल को ज्यादा बढ़ाना ज्यादा सही है हमारी कंट्री में, क्योंकि काफी ज्यादा हम डिजीज बर्डन की बात करते हैं, लिटरेसी की बात करते हैं, वो जो सामाजिक जिम्मेवारी है, जो डेवलपमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं सरकार की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वगैरह की, उन्हें भी निभाना है, क्योंकि इंडिया इज आफ्टर ऑल
अ कंट्री ऑफ गांधी जी, तो गांधी जी का ये आइडियल्स थे कि मतलब पीस एंड प्रोस्पेरिटी होनी चाहिए, तो वो सबको हम आगे बरकरार करने के लिए, मतलब मैं एक अच्छा व्यू पॉइंट दे रहा हूँ ठीक है, क्योंकि हम PIB एनालिसिस कर रहे हैं। हिंदू एनालिसिस में क्या होता है कि क्रिटिकल एनालिसिस काफी ज्यादा करना पड़ता है, पॉजिटिव व्यू PIB से मिल जाएगा, क्रिटिकल एनालिसिस हिंदू से मिल जाएगा, तो एक कॉकटेल बन ही जाएगा यहाँ पे। वर्ल्ड पॉसिबल एक NGO है, वर्ल्ड लेवल पे काम कर रहा है वर्ल्ड पॉसिबल। तो जिन एरियाज तक अभी इंटरनेट पेनिट्रेशन नहीं है वहां पे एजुकेशन, वहां पे किताबें मुहैया कराना, ऐसे दिशा में ये काम कर रहा है। लास्ट पार्ट पे चलते हैं, नेशनल चाइल्ड अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट। नेशनल चाइल्ड अवार्ड गाइस, इसके बारे में बताना चाहूंगा कि कल हमने बात करी थी कि इंडिया के 2.5 लाख ग्राम पंचायत को नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के साथ जोड़ा जाएगा। जब तक वो नहीं जोड़ा जा रहा तब तक ये NGO अच्छा काम कर रहा है। 13 नवंबर का PIB एनालिसिस आप लोग देख सकते हो। डेली बेसिस पे एनालिसिस करना मेरी यहाँ पे ड्यूटी है, मैं सिर्फ इसे पढ़ूंगा नहीं, राइट? तो मेरे को आता नहीं है सिर्फ पढ़ना, मतलब एक वे से होता है कि एनालिसिस अपने आप होने लगता है, राइट? तो नेशनल चाइल्ड अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट, नेशनल चाइल्ड अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट उन बच्चों को दिए जाते हैं जिनमें अर्ली एज ही, यानी कि बच्चा 7 साल का होता है तो मतलब उसको मतलब म्यूजिक का शौक है, तो उसे बजाय इसके कि 10 का पहाड़ा, 2 एकम 2 3 एकम 3 जो भी है, मतलब वो पढ़ाने से अच्छा है कि उसे तानसेन बनाया जाए, राइट? स्पोर्ट्स में जो अच्छा है उसे बढ़िया है कि उसे तेंदुलकर बना दिया जाए, आर्ट्स में जो अच्छा है तो उसे आर्ट्स की तरफ अग्रसर किया जाए, ऐसी कंडीशन डेवलप करी जाए। कल्चर में, डांस में जो अच्छा है उसे डांस में भेजा जाए, ठीक है? मतलब ये एक अच्छा कदम है, राधर देन कि किसी सभी को ही मतलब पढ़ाया जाए तो उससे ये ज्यादा बेटर है। चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 18 ईयर्स आर एलिजिबल फॉर द अवार्ड, नेशनल चाइल्ड अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट। तो ये अच्छा चीज है इसमें उसको प्रमोट करने के लिए, मतलब जो एक्सेप्शनल एबिलिटीज हैं। तो गाइज मेरे को फॉलो कर सकते हो, जतिन वर्मा 0509 फेसबुक प्रोफाइल ID है। और जिन लोगों को टेलीग्राम के बारे में नहीं पता, टेलीग्राम पे इसका PDF अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है? जिन लोगों को टेलीग्राम के बारे में नहीं पता, सिंपली गूगल प्ले स्टोर पे जाके टेलीग्राम सर्च करोगे, टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद स्टडी मैनियक सर्च करोगे और मेरे को वहां पे फॉलो कर सकते हो। डेली बेसिस पे इसका PDF वहां पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो दिस वाज ऑल, और इफ यू आर जेन्युइनली लाइकिंग दिस कंटेंट तो आप वीडियो को नीचे लाइक दे सकते हो और कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक शेयर करना ना भूलें, सो दैट आई कैन गेट एन आइडिया, आई कैन गेट योर फीडबैक सो एज टू हाउ टू फर्दर इम्प्रूव दिस कंटेंट डिलीवरी या स्पीच डिलीवरी या जो भी है उसे कैसे इम्प्रूव किया जाए। फेसबुक पे आप मेरे को मतलब जो भी डेली न्यूज एनालिसिस एडिटोरियल एनालिसिस मैं अपलोड करता हूँ वहाँ पे आप फेसबुक पे पा सकते हैं। देन कमिंग टू आपका डेली हिंदू का न्यूज एनालिसिस और फ्रंटलाइन के एडिटोरियल्स वगैरह PDF फॉर्म में मैं फेसबुक पे शेयर करते रहता हूँ। तो ये था आज के लिए, बस इतना ही, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यूट्यूब के नीचे जो सब्सक्राइब का टैब दे रखा है। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।